अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस ऑफ फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कस्टमाइज बेस, जिसको मैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनाऊंगी। कस्टमाइज बेस बेसिकली ये ब्राइडल बेस है, जिसको हम एक लाइट एंड मीडियम कवरेज फाउंडेशन को हाई कवरेज कर देते हैं, क्योंकि हाई कवरेज फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन इसको हम घर में एक नॉर्मल एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ हाई कवरेज फाउंडेशन जैसे रिजल्ट्स किस तरह से मतलब गेन कर सकते हैं, तो ये आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। सो आप लोग चैनल पे नहीं आते चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना, सजेशन एंड रिक्वेस्ट भी जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बहुत ही कम कम प्रोडक्ट्स के साथ ये फाउंडेशन बनाऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर का खाली कंटेनर ले लिया, इसके अंदर ये मैं स्टूडेंट कलेक्शन की फाउंडेशन के 2 to 3 पंप ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी अपनी फेवरेट फाउंडेशन ले सकते हैं। अच्छा, इसको आप अपने कम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग शेड यूज़ करेंगे तो वो एक बिल्कुल परफेक्ट शेड आएगा। अच्छा, सेकंड चीज़ इसके अंदर जाएगा कॉम्पैक्ट पाउडर, ये हमें सब कुछ सेम क्वांटिटी में यूज़ करना है। लाइक अगर आपने 3 पंप्स फाउंडेशन लिए हैं तो बाकी जो पाउडर्स हैं लाइक फेस पाउडर एंड ये पेन के, इनका आपने बिल्कुल सेम क्वान्टिटी में लेना है, फाउंडेशन से हाफ क्वान्टिटी में लेना है, ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। सो इसके अंदर मैं थोड़ा सा हाइलाइटर भी ऐड करूँगी, ताकि काफ़ी ज़्यादा डुई सी लुक आए। इसके अंदर मैं कोई कंसीलर वगैरह ऐड नहीं कर रही, क्योंकि फाउंडेशन ऑलरेडी कवरेज उसकी अच्छी है और अब वो और बेटर हो जाएगी, तो इसमें कंसीलर वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है तो आप इसको अप्लाई करने से पहले कोई करेक्टर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे ही अगर आपकी स्किन क्लियर है तो ऐसे बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है एंड आप देख सकते हैं इसकी कवरेज कितनी हाई हो गई है। जैसे एक हाई एंड ब्रांड की हाई कवरेज फाउंडेशन होती है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। हाई कवरेज फाउंडेशन अफोर्डेबल बहुत कम ही मिलती हैं, अगर वो अफोर्डेबल होती हैं तो उनकी रिजल्ट्स वैसे नहीं होते, फेड होना शुरू हो जाता है, कलर ऑक्सीडाइज हो जाती है। लेकिन ये बहुत अच्छी है, वाटर प्रूफ है एंड इसके ये ऑक्सीडाइज भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। लाइक आप इसको अपने शेड से थोड़ा सा लाइटर बनाए तो ये आपके फेस पर बिल्कुल सेट हो जाएगी 15 to 20 मिनट के बाद, ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होती इसका। ये बहुत अच्छी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड जो पॉलर्स वगैरह में सलोन्स में यूज़ हो रही होती हैं फाउंडेशन, वो भी बेसिकली इसी तरह से रेडी करती हैं, ताकि इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा हाई है और लॉन्ग लास्टिंग हो। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी देर तक स्टे करती है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड वेडिंग सीज़न है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाली है। तो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो गिव दिस वीडियो ह्यूज थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एंड ड्रॉप योर रिक्वेस्ट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।